हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए लुधियाना सिटी में द नेचुरल फूड प्वाइंट। बाकी इन भाई साहब से पूछते हैं, ये बोलते हैं अभी जो हमारी चांप है ये मैदे की नहीं है, प्योर आटे की है। इनसे पूछते हैं नेचुरल फूड प्वाइंट इन्होंने नाम ही रखा या खाना भी नेचुरल खवा रहे हैं। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताएं। एकदम बढ़िया सर। आपने जो हमसे एक क्वेश्चन पूछा, नेचुरल फूड प्वाइंट नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खाना दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि चाप मिलती है मैदे से बनी हुई और लोग नहीं खाते हैं क्योंकि मैदा है उसमें। हम लोग इसको आपको प्योर आटे की चाप बना के दे रहे हैं। आप खाएंगे आपको समझ आएगी कि आटा खा रहे हैं कि मैदा खा रहे हैं। तो ये प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल और आटे वाली चाप है। सर ये आटे की चाप आप खुद तैयार करते हो? खुद हम लोग अपने आप तैयार करते हैं। सुबह तैयार होती है, शाम तक हमारी खत्म हो जाती है। सर ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि मैं चाप तो खिलाऊंगा पर आटे की खिलाऊंगा? ये मेरी दादी के हाथ की है। जब हम लोग छोटे होते थे वो मुकंद बड़ी बनाते थे, उसका नाम मुकंद बड़ी होता था। ओके। अगर आपने मुल्तान में सुना हो। ओके। तो उसी को मॉडिफाई करते करते हमने इसको चाप बनाई है। ओके ठीक है सर। आटा चाप के अलावा आपके पास और क्या क्या है? चाइनीज है, साउथ इंडियन है, इटालियन है, सब कुछ है। ओके। आपने नाम पे इसको रखा है नेचुरल फूड प्वाइंट। बिल्कुल सर। नेचुरल खाना भी खिला रहे हो? नेचुरल खाना भी खिला रहे हैं आपको। आप हमारा कीमा नान ट्राई करो। वेज में? वेज कीमा नान। ओके। नहीं तो लोग चिकन वाला कीमा नान कहते हैं, हम वेज कीमा नान खिला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग न्यूट्री नहीं भर रहे, हम अपने ही चाप का कीमा बना के उसको फिल करते हैं। हाँ जी सर दिखाओ। बिल्कुल सर, ये हमारी चाप तैयार हो रही है। आटा चाप? आटा चाप, तंदूरी मलाई आटा। ये तंदूरी बनेगी? हाँ जी बिल्कुल, तंदूर वाली। ज्यादा लोग तो इसमें फ्राई करते हैं? नहीं सर, ये आप देखेंगे आपके सामने तंदूर में तैयार होगी और आटे की, प्योर आटे की चाप है। इसका टेस्ट भी मेरे हिसाब से जमीन आसमान का फर्क होगा, आटे की और तंदूर की और फ्राई की। सर आप इसको जब खाओगे, लोग एक प्लेट खाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग पेट भर गया, और आप इसको दो प्लेट भी खा लोगे आपको समझ ही नहीं आएगी आपने कुछ खाया है। पेट नहीं, ज्यादा हैवी नहीं होगा, हैवीनेस नहीं आएगी आपको। हाँ जी, कुछ चीजें हम खा लेते हैं, थोड़ी सी खाएं पेट इतना हैवी हो जाता है और कुछ खाया नहीं जाता। बिल्कुल, आप इसको ट्राई करना और आपको पता चलेगा। हाँ जी ठीक है सर। इसको कितने मिनट लगेंगे बनने में? सर बस 2-4 मिनट। सर इसका प्राइस कितना रहता है? देखें इसका ज्यादा हमने नहीं रखा, 240 रखा है फुल का। हाँ जी। और 130 रखा है हाफ। सर इसको अमूल बटर में तैयार करते हैं? अमूल बटर। ओके। हाँ जी, अमूल बटर और क्रीम। ओके हाँ जी ठीक है। ये आपकी जैसे बहुत फेवरेट डिश है यहाँ पे? ये बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ओके, और क्या है यहाँ पे जो खास है? कीमा नान है, साउथ इंडियन में हमारा बैनी मसाला डोसा है। मैं पढ़ रहा था आपके मेन्यू में बैनी मसाला हमने मसाला डोसा सुना है, मूल बटर मसाला डोसा सुना है, बैनी डोसा क्या होता है? सर ये बैनी मसाला गन पाउडर से हम लोग तैयार करते हैं और ये पफ राइस से तैयार होता है। वेज में? वेज में ही है ये। हाँ जी। और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंस है, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे आपको जो मसाला डोसा है उससे बेटर है। उससे बेटर है। ओके हाँ जी। ये बैनी मसाला डोसा मेरे हिसाब से तो ये साउथ इंडियन में, साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन में मिलता होगा। हाँ जी बिल्कुल। कहते हैं साउथ इंडियन वाला डोसा तो पंजाब में बहुत लोग तैयार करते हैं, पर साउथ इंडियन जैसा टेस्ट बहुत कम प्लेसेस में मिलता है। बिल्कुल सर, उसमें हम लोग पंजाबी टच डाल देते हैं, पर हमने जो साउथ इंडियन का फ्लेवर लेके आए उसको साउथ इंडियन ही रहने दिया। हाँ जी, उसमें अपना कुछ फ्लेवर नहीं आया। अगर किसी का डोसा अच्छा हो तो सांभर अच्छा नहीं होता, सांभर अच्छा होता तो डोसा नहीं अच्छा होता। बिल्कुल हाँ जी, आप एक बार ट्राई करके देखना। हाँ जी सर, आपकी चाप तो जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल सर। ऐसा क्या खास डालते हैं अभी लोग आपकी, कस्टमर बहुत पसंद करते हैं आपकी चाप? कस्टमर का प्यार डालते हैं जो कि कस्टमर लाइक कर रहे हैं। सर प्यार डाल, अगर कहते हैं किसी भी चीज में प्यार डाल दो वो चीज नेचुरली और स्वाद हो जाती है। वही तो है, वो नेचुरली स्वाद होती है, सभी नेचुरल फूड पॉइंट पे आना पड़ता है। कहते वाइब्रेशंस काम करती है। बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल सर। हाँ। अब आप ट्राई करें, अभी हमारी तैयार हो गई। हाँ जी। हाँ जी सर, अब क्या बना रहे हो आप? सर अब हम आपको टेस्ट कराएंगे अपना बैनी मसाला डोसा। हाँ जी, ये प्योर साउथ इंडियन डोसा है, पफ राइस नाल तैयार होएगा अपना। सर इसमें क्या खास रहता है? इसके साथ गन पाउडर का फ्लेवर आएगा आपको साथ में। हाँ जी। और साथ में इसका प्योर अमूल बटर में तैयार होगा ये। हाँ जी। और इसका एक टेक्सचर भी डिफरेंट है और फ्लेवर भी डिफरेंट है, आप खाओ और पहचानना। सर आप जैसे बता रहे हो
ये पैनी मसाला डोसा साउथ इंडियन में बनता है। हाँ जी, आप लुधियाना में कैसे ले हैं इसको? सर कहते हैं इनोवेशन ही नई चीज की शुरुआत है। हाँ जी, तो हम वो इनोवेशन को यहाँ पे लेके आए और नई चीज शुरुआत कर रहे हैं। हाँ जी, सीखा कहाँ से आपने ये? ये गॉड गिफ्ट है सर। हाँ जी ठीक है, चलो सर डोसे का भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, डोसा कैसा लगा? आप ट्राई करें और आपको पता चलेगा। और ये बिल्कुल फ्रेश अमूल बटर में तैयार होता है हमारा। हाँ जी, और इसका फ्लेवर गन पाउडर के साथ बिल्कुल डिफरेंट रूप से आता है। सर पैनी मसाला डोसा मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम लोग बनाते होंगे। सर मैंने आज तक नहीं सुना है। मैंने आप नहीं सुना आपका नॉर्थ इंडिया में नहीं सुना। मैन्यू तो मैंने रीड किया। हाँ जी, वहाँ पे रीड किया था कि पैनी मसाला डोसा भी होता है। बिल्कुल सर, चलो सर टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, टेस्ट कैसा लगा? थैंक यू सो मच आपके टाइम लिए। वेलकम। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਟੇ ਦੀ ਚਾਪ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਇਆ ਆਟਾ ਚਾਪ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਆ? ਚਾਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, फीलिंग ऑफ चाप्स जो है खुद होममेड बनाते हैं आटे की, ਉਹਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋਸ ਵਿਦ ਲੱਛੇਦਾਰ ਅਨੀਅਨਸ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਨਕੀ ਆਟਾ ਚਾਂਪ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਆਟਾ ਯੂਜ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸਕਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤੇ ਟੇਸਟ ਕੈਸਾ ਲਗਾ? तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैंने आज तक ऐसी जो चाप नहीं खाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैदे की जो चाप होती है उससे ज्यादा बेटर टेस्ट है। अगर आप इनसे ये बढ़िया बढ़िया चाप खाना चाहते हैं, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, भाई रणजीत सिंह नगर लुधियाना, द नेचुरल फूड पॉइंट। चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।